सब बताया नहीं था जहाँ यहाँ पे गार्डन रहेगा या कुछ रहेगा, लेकिन अब बोल रहा है क्या जी यहाँ पे गार्डन रहेगा जी। हाँ रोड निकालेगा वो, क्या वो पहले आया था तो क्या बोला था, मुझे 30 फीट सिर्फ दे दो गाड़ी आने जाने के लिए, हम गटर बनाएंगे। आदमी बोल दिया जी ठीक है, तुम गाड़ी आने जाने के लिए तुम ले लो अपना जगह, जो झोपड़ी उसको रहने दो। लेकिन वो 30 फीट के वजह से एक के ऊपर चला गया 100 फीट के, 90 फीट का रोड बनाएंगे जी। तो हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं देंगे, चलेंगे हम गार्डन, लेकिन तुमको गार्डन बनाने के, गार्डन जरूरी है कि गरीब लोग को रहना जरूरी है जी, रहना जरूरी है ना। कम ये तो बोले, नहीं तो पता चला हमारे भाऊ बेटे किधर पढ़े किधर पढ़े, बच्चे लोग का बोर्ड एग्जाम है, गाड़ी आई भागो भागो, तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही बच्चे लोग की। ऐसे बच्चे लोग को 12वीं 13वीं के बच्चे लोग तो एकदम, उनका माइंड एकदम शांत होना चाहिए पढ़ाई के मामले में। जब पढ़ाई के मामले में यही गाड़ी आई भागो भागो, तो बच्चे कापी किताब लेके कहाँ भागेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या एग्जाम देंगे। और यहाँ की कोई अथॉरिटीज जो है आपको कोई मदद करने की कोशिश की? कुछ नहीं, हम लोग कोई मदद नहीं बोल रहे कि हमारा वो हमारा वार्ड ही नहीं है बोलते। जब वोट लेने का था तो हमारे हाथ पैर जोड़ के वोट मांग रहे थे।